Hello everyone, greetings from AASHA's Young IAS. So here we at AASHA's Young IAS have taken an initiative to train school students for the NTSE, that is National Talent Search Examination, which is conducted by NCERT, that is National Council of Education, Research and Training, so that deserving candidates can be provided with scholarships. तो ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बेसिकली हर साल एनसीईआरटी द्वारा इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सके. ये एग्जाम एक सेकेंडरी स्कूल लेवल का एग्जाम है जो कि हाई इंटेलेक्ट और स्किल्स वाले स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई और रिकग्नाइज करता है. सो इट आइडेंटिफाई एंड रिकग्नाइज स्टूडेंट्स विद हाई इंटेलेक्ट एंड स्किल्स. So the first question that comes into the mind of parents as well as students is that what is National Talent Search Examination all about? So the National Talent Search Examination is open for students of Indian nationality, whether they study in India or abroad at class 10 level. So National Talent Search Examination सभी students के लिए open है जो कि Indian nationality के हैं और वो दसवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो इंडिया में पढ़ रहे हैं या बाहर किसी और देश में पढ़ रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है. NTSE एग्जाम वो दे सकते हैं. इट इज अ नेशनल लेवल स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन इंडिया टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स विद हाई इंटेलेक्ट एंड एकेडमिक टैलेंट. इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस एग्जाम्स इन इंडिया. 2000 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड financial assistance in the form of monthly scholarship, ₹1,250 per month every year for class 11 and 12, and thereafter ₹2,000 per month for undergraduates and postgraduate level. तो NTSE का मेन एम होता है कि हाई इंटेलेक्ट और एकेडमिक टैलेंट से भरपूर स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करना. तो इसके अंदर 2000 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को मंथली स्कॉलरशिप के रूप में फाइनेंशियल असिस्टेंस अवार्ड की जाती है. 11वीं और 12वीं कक्षा में ₹1,250 हर महीने स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है, और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक हर महीने ₹2,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग दैट व्हाट इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ इट इज कंडक्टेड. सो दिस एग्जाम इज कंडक्टेड इन टू स्टेजेस. स्टेज वन इज एट द स्टेट लेवल एंड स्टेज टू एट द नेशनल लेवल. तो जो स्टेज वन है स्टेट लेवल का एग्जाम, वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज द्वारा नवंबर मंथ के आसपास कंडक्ट किया जाता है हर साल. तो सारे दसवीं कक्षा के स्टूडेंट्स जो कि रेकग्नाइज स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो इस स्टेज वन के एग्जाम के लिए एलिजिबल है. आफ्टर क्लियरिंग स्टेज वन क्लियर करने के बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो स्टेज टू के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं. एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम लियाजन ऑफिसर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन territory, and exam application fee as notified by the particular state or union territory is to be paid by the candidate. तो जो exam के application forms होते हैं वो उसी particular state या union territory के जो officer होते हैं उनसे आपको लेना होता है. And secondly, जो भी exam की application fee होगी जो उस particular state या union territory द्वारा notify की गई है वो candidate को pay करनी होती है. Now coming to this stage 2, that is the national level examination, it is conducted by NCERT in the month of May, that is tentative, it may change. Students who have qualified stage 1 exam are eligible for stage 2 in the same academic year. Exam application forms can be procured from NCERT website. There is no exam application fee and selected candidates are eligible for the scholarship. Now stage 2 ka jo exam hai, jo national level ka exam hai, wo NCERT dwara conduct kiya jata hai most probably in the month of May, aur isme wohi candidate wohi students participate kar sakte hai, wohi eligible hai jinhone stage 1 exam clear kiya ho. Exam application form NCERT ki website pe available hota hai aur is exam ki koi application fee nahi hoti hai. और जो ये स्टेज टू क्लियर कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स क्लियर कर लेते हैं ये एग्जाम,
वो एलिजिबल होते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए. सो इन केस यू हैव क्लियर स्टेज वन बट आर अनएबल टू क्लियर स्टेज टू, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप. यू नीड टू क्लियर बोथ दिस स्टेजेस इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप. Now let's discuss what is the pattern of this examination. This examination comprises of two papers, that is paper 1 mental ability test, also known as MAT, and paper 2 scholastic aptitude test, also known as SAT. So mental ability test jo ki aapka paper 1 hai, usme total 100 questions honge 100 marks ke, aur aapko 120 minutes diye jayenge is paper ko solve karne ke liye. And secondly, scholastic aptitude test जो आपका paper 2 है, वो भी होगा total 100 marks का, जिसमें होंगे 100 question और again आपको 120 minutes दिए जाएंगे इस paper को solve करने के लिए. तो ये scholastic aptitude test में आपको science, maths और social science पूछा जाता है. तो ये जो paper 1 और paper 2 के test candidates को दिए जाते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि उनके रीजनिंग पावर को, उनकी सोचने की शक्ति को, उनकी जज करने की शक्ति को, देयर इवैल्यूएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर, देयर एबिलिटी टू विजुअलाइज, इन सारी चीजों को जज किया जा सके, परखा जा सके. पहले इस एग्जाम में इंग्लिश पेपर भी होता था बट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस इंग्लिश पेपर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द एनटीएसई सिलेबस. एज सच नाउ देयर इज नो टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू टाइप में होंगे, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दे विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. नेवर्थलेस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू रिसॉर्ट टू ब्लाइंड गेसिंग व्हिच मे नॉट बी ऑफ एनी हेल्प टू देम. और जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए गए हैं उनके लिए भी कोई मार्क्स कट नहीं किए जाएंगे. नो मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस एज वेल. एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको चाहिए ये एग्जाम क्लियर करने के लिए वो है 35% फॉर एससी एसटी एंड पीएच और 40% फॉर अदर कैटेगरीज, दैट इज जनरल और ओबीसी के लिए 40% है और एससी एसटी पीएच के लिए 35% है हर पेपर के लिए. एंड आई रिपीट, candidates who qualify in both the papers separately will only be considered for merit. Now there is reservation criteria as well as in the examination. So it is as follows: for SC it is 15%, for ST it is 7.5%, for OBC and that too for the non-creamy layer it is 27%. And for the physically challenged, it is 4%. So you can see the distribution according to the categories over here, and the remaining part goes to the general category. Now let us understand what is the MAT, mental ability test. So the mental ability test in NTSE syllabus is conducted with main objective to judge and analyze students' power of discrimination, evaluation, reasoning, the potential to visualize, spatial orientation and space orientation. Topics such as classification, coding, decoding, series, pattern perception, block assembly, hidden figures, analogies and problem solving are asked to the students to gauge their mental ability. The questionnaire includes a set of 100 multiple choice questions. Mental ability test is an appropriate way to scale a student's ability using rationalized questions. Students need to apply their presence of mind and logical reasoning skills while attempting a mental ability test. Thus, these tests help students develop skills that are required at different stages of life to build up a career. Now, mental ability test ki basically 4 categories hoti hai. Firstly, logical or abstract reasoning. Secondly, verbal reasoning, jisme ki rearranging sentences, paragraph summary, reading comprehension jaise topics hote hai. Thirdly, data interpretation. And fourthly, puzzles. So all these things are included in a mental ability test for this examination. Now after MAT, let's understand what is a SAT.
That is a scholastic aptitude test. In this scholastic aptitude test, questions are taken from subjects like physics, biology, chemistry, history, geography, economics, and political science. The SAT might also include questions like arrange the sequence, match the correct answer, true and false statements, and the comprehension passage based questions. This might make the exam more entertaining than the multiple choice questions. Scholastic aptitude test is an integrated exam and grills the students more than the mental ability test. As students tend to make more mistakes in SAT, given the nature of the test, it is a good learning experience for the students. It makes them aware of their weak points as well as their strong points. So basically, all these topics are included in the SAT, that is the Scholastic Aptitude Test, which is a part of NTSE. Now let's discuss the eligibility and other conditions for continuation of scholarship at higher secondary stage. So the award of scholarship to the selected candidate shall commence subsequent to their clear promotion to class 11. जब तक वो क्लास 11 में प्रमोट नहीं हो जाते हैं तब तक ये अवार्ड जो है स्कॉलरशिप का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा. Then the scholarship at the higher secondary stage or equivalent classes 11 to 12 is payable for a maximum period of 2 years for studies in India only. तो 11th और 12th के लिए जो स्कॉलरशिप पेबल है वो सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी जब आप इंडिया में ही पढ़ रहे हो, अपनी जो स्टडीज है वो इंडिया में ही परस्यू कर रहे हो. Then a student pursuing diploma or certificate courses will be provided scholarship at this stage, provided if they are not employed. तो जो कैंडिडेट्स इसके अलावा डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर रहे हैं वो भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए. अगर वो एम्प्लॉयड है तो दे विल बी इनएलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप. देन इज awardees have to secure an aggregate of 60% marks or equivalent grade in order to be eligible for scholarship every year. तो हर साल इस स्कॉलरशिप के लिए उन्हें कम से कम 60% मार्क्स या उसके जो इक्विवेलेंट ग्रेड है वो लाना जरूरी होता है. अगर 60% से कम आता है देन द स्कॉलरशिप इज फॉरफीटेड फॉर दैट ईयर. ये तो बात हो गई एक साल की. अगर एक साल 60% से कम आते हैं किसी कैंडिडेट को तो उस साल के लिए वो स्कॉलरशिप फॉरफीट की जाती है. नाउ इफ अ स्टूडेंट फेल्स टू सिक्योर मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर टू कंसेक्यूटिव और नॉन कंसेक्यूटिव इयर्स ही और शी विल बी इनएलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप एंड विल बी डिसकंटिन्यूड फॉरएवर. कोई भी स्टूडेंट कंसेक्यूटिवली या नॉन कंसेक्यूटिवली दो साल के लिए 60% से कम स्कोर करता है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए इनएलिजिबल हो जाता है और ये स्कॉलरशिप हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दी जाती है. तो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द स्कॉलरशिप यू नीड टू स्कोर अबाउट 60% एवरी ईयर. Now, in case an institution does not conduct an examination at the end of class 11, the scholarship for the second year will be continued on the submission of a certificate to this effect from the head of the institution. Due to any reason, agar koi institution 11th class ka examination conduct nahi kar pata hai, to second year ki scholarship continue rakhi ja sakti hai, provided head of the institution ka certificate submit karna hota hai. And lastly, in case the performance is reported in grades, then equivalent to 60% aggregate will be taken into account. AA Shah's Young IAS is providing a full-fledged course for National Talent Search Examination in which full syllabus will be covered. That is, both MAT and SAT topics will be covered in it. Books will be provided. Online practice tests will be given and also periodical assessment tests will be provided. Now coming to the eligibility portion, students studying in class 9th and 10th are eligible for this course. Class 9th or 10th ke bachche is course ke liye eligible honge. And regarding the schedule, so it will be 2 hours on Sundays and public holidays only. So har Sunday ya public holidays pe 2 ghante ka lecture
एनटीएसई पर रखा जाएगा. फॉर एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर. यू कैन ऑल्सो ईमेल अस एट youngis.aashah@gmail.com. And for more details, you can visit our website www.youngis.com. Thank you so much for your kind attention.